एक एक रुपया का भीख दे दीजिए दोस्तों कि भैया का इलाज हो जाए। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जरूर करिए दोस्तों, बस आप लोग हेल्प करिए किसी भी तरह दोस्तों। और जो भी जानकारी है डिस्क्रिप्शन में सामने नंबर देख सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है आदमी बीमारी से। हम लोग किस लिए आएंगे, और ऐसा नहीं है दोबारा भी आएंगे। अब आएंगे जब भैया ठीक होंगे तो लड्डू लेके मिठाई लेके आएंगे आपके पास। परेशान मत होइए, अच्छी थी खासी थी, लेकिन भैया का जब ये हाल हुआ उसके बाद ये भी कहाँ गिरा लालू माई, यहाँ गिर गए लालू। तो ठीक ना है भैया का, अच्छा मतलब ये देखिए दोस्तों ये नट पूरा राड लगा है, मतलब नहीं बस रहे थे माता जी को मानना। तो ठीक बात हो तू ना, कुछ ठीक बात, दर्द हमेशा ही पैर के चलते दर्द रहता, चल ना पाई ना। और परेशानों का माई भैया ठीक हो जाइए, और आज लोगन का आशीर्वाद बस, सब लोग देखा था ना तो लाइव देखा था ना, आशीर्वाद ही मांगा था हम सपोर्ट हम दर बाबू के कर दी हो ही जरूर। और दोस्तों यही बताना चाहती, एक माँ जो है अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती। सबसे पहले दोस्तों भैया जी का गूगल पे नंबर और अकाउंट नंबर आपको सो डिस्क्रिप्शन में सामने देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन, इस पे नंबर पे कॉल करके बहन से सीधे बात कर सकते हैं। बहन का नंबर हम दिए हैं, उनका गूगल पे है। मात्र अगर 1 रुपया आप देते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। और भैया जी को किस तरह उठाया जाता हम दिखाएंगे, ताकि कुछ लोगों को लगेगा कि फेक है। और अभी भैया जी को हम वहाँ बैठाने का प्रयास करते हैं। कैसे किया जाता है दीदी? ये भैया थोड़ा प्रयास करिए, हल्का जो पैर है हल्का भी काम करता है कि नहीं, ये हटा दे कुर्सी। हाँ, नंबर बोलिए भैया। 88 63 93 57 57 और 96। ये किसका नंबर है? मेरा नंबर। आपका है? मेरा लक्ष्मण कुमार। ठीक है, मतलब नंबर है दोस्तों जो कि डाल दिया जाएगा। और कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, जब कोई नहीं करता है तो क्या होगा। और हम अपने से शुरुआत करेंगे दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया को, जो दिल खोजा अपने मुझसा बुरा ना खोजा। अगर अपना दुख हम बताएंगे दोस्तों तो दूसरों का दुख नहीं देखेगा, और दूसरों का दुख जब देखेंगे तो अपना दुख खुद भूल जाएगा। और भैया जी के लिए प्यारा सा एक छोटा सा गिफ्ट के तौर पे अमाउंट में करने जा रहा हूँ, इसलिए कि ताकि ये ना लोगों को लगे कि ऐसा कोई चीज़ है। क्योंकि अगर हम वहाँ से आए, हो सकता है मेरे एक छोटे से अमाउंट से अगर किसी का कुछ भला हो सके दोस्तों, तो हमें करने में दिक्कत नहीं है। और यहाँ अगर मैं एक अंश दान कर सकता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं, मैं बताऊँगा नहीं, कुछ लोगों को लगेगा कि सिर्फ दिखा कर रहा है। हाँ, इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर देखेंगे नहीं तो आप लोग मदद नहीं करेंगे दोस्तों। और एक बार देख लीजिए फिर से, इसलिए कि आज हो सकता है कि इस भाई के बदौलत एक और नहीं बोल पाएंगे कोई भी, और बताइए देखिए जिसका पति सामने ही इस हालात में हो नहीं बोल पाएंगे कोई भी, ऐसा नहीं है। मेरी ही पत्नी अगर कुछ होगा तो अलग चीज, रोइए मत भाभी। हम लोग किस लिए आएंगे, और ऐसा नहीं है दोबारा भी आएंगे। अब आएंगे जब भैया ठीक होंगे तो लड्डू लेके मिठाई लेके आएंगे आपके पास। परेशान मत होइए।